ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जय हिंद दोस्तों, ये देखिए ये गया जिला, हमारा गया जिला निमचकपा थाने पंचायत सिंघौल बहुआरा ग्राम का स्कूल का स्थिति बहुत सारा दयनीय है। आप देख सकते हैं, इसका हम लाइव आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए क्या स्थिति है यहाँ के। हम बताना चाहते हैं सरकार से कि ऐसा यही स्कूल नहीं है, बहुत सारा स्कूल है जिसका स्थिति इतना बुरा है, इतना ख़राब है। और यहाँ पे देखिए इसका फर्श में कितना बहुत सारा पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कभी भी छत टूट के गिर सकता है, जिससे नीचे वाला जो लड़कन बैठता है उसको बहुत सारा उसको डैमेज पहुँच सकता है। और देखिए यहाँ पे इसका देखिए क्या स्थिति है, धड़ाक गया, आप देख सकते हैं कितना, समझ रहे हो पूरा टूटा, इस पर रिपेयरिंग का भी कुछ ध्यान नहीं है। और इसका जो है ये रूम में भी इतना सारा पानी है इसमें। और देखिए जब से ये बना है तब से इसका ताला अभी तक खुला ही नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के स्थिति देखिए, पूरा छत के फर्श का स्थिति देखिएगा, पूरा स्थिति कितना जर्जर है, आप देख सकते हैं। आपको हम लाइव तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पे इसका पूरा स्थिति एकदम दयनीय है, पूरा ख़राब है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इस पर जाँच को टीम भेज कर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा छत टूट चुका है बुरी तरह से, देखिए यहाँ पे पूरा छत टूट चुका है, ये पूरा छत टूट गया है। और आप देखिएगा तो इसका नीचे का जो फर्श है वो देखिए, यहाँ पे पूरा फर्श टूट चुका है। अब देखिएगा तो नीचे का फर्श, अभी तक स्कूल बना हुआ बहुत साल हो चुका है, कम से कम करीबन 10 से 15 साल, बट अभी तक उसमें उसका जो फर्श है अभी तक वो मतलब कच्चा है, मट्टी का है, वो पका का अभी तक नहीं किया गया। तो हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और आप ही देख सकते हैं इस पर कि जब से ये स्कूल बना है तब से जो इसका बाथरूम का है, बाथरूम में जब ताला लगा है वो अभी तक खुला नहीं है, देखिए क्या स्थिति है ग्राम बहुआरा। सिंघौल पंचायत का देखिए स्कूल का क्या स्थिति है। और ये देखिए रहा किचन का, ये देखिए नज़ारा क्या है। और हम दिखाना चाहते हैं पूरा का पूरा दयनीय स्थिति है, पूरा ये स्कूल का सीन रह गया। और हम नीचे लेके चलते हैं, चलिए नीचे का दिखाते हैं, चलते हैं क्या स्थिति है नीचे। देखिए नीचे का क्या स्थिति है, इसका स्थिति जर्जर है, देखिए क्या स्थिति है यहाँ, इसका फर्श क्या है, क्या बुरा हाल है। इसका फर्श अभी तक मिट्टी का ही है, देख सकते हैं देखिए। और ये नीचे का देखिए क्या हाल है इसका, रिपेयरिंग का भी कुछ, देखिए क्या स्थिति है इसका फर्श का। तो ये सरकारी स्कूल का ये स्थिति है, देखिए। और ये गेट का स्थिति देखिए आप यहाँ के, गेट का स्थिति आप देख सकते हैं, इसका फर्श का स्थिति देखिए। और इसका देखिए बाथरूम, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अब जब से ये स्कूल तैयार हुआ है 15 साल हुआ है, तब से जो है इसका बाथरूम खोला तक नहीं गया, देख सकते हैं लाइव। लाइव इसका तस्वीर देख सकते हैं। और इसका जो है किचन का स्थिति देखिए, किचन का क्या स्थिति है देख सकते हैं, देखिए पूरा है प्राथमिक विद्यालय बहुआरा, देखिए। तो हम सरकार से निवेदन, कितना जर्जर स्थिति है, देखिए ऊपर का रेलिंग का स्थिति क्या है, पूरा पूरी तरह से टूट गया है। तो हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और हम और देखिए इसका क्या स्थिति है, इसका गेट का देखिए, इसमें गोईठा धराता है, देखिए गोईठा का सीन है इसमें, देखिए गोईठा धराता है। तो और देख सकते हैं अभी ऊपर का क्या है, सरकारी स्कूल का, ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल का कितना बुरा स्थिति है,
देखिए जो बच्चों को भविष्य बनाता है। और यहाँ पे देखिए ऊपर चढ़ के बच्चों लोग चीन कटोरिया खेला देख रहे हैं। और हमारे तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए। और ये जो हमारे चाट हैं भोजन के, कुछ भी इस प्रकार से खाना ताना मिलता नहीं है। तो आप देख ही रहे होंगे नजर, इसको आप देख ही चुके होंगे, बाथरूम में से आप देख चुके होंगे। बाथरूम की जब स्थिति है तो खाना क्या मिलता होगा। तो यहाँ के हेडमास्टर पर कार्रवाई किया जाए। यहाँ के हेडमास्टर क्या माया देवी हैं, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए क्या स्थिति है। सिंचाई योजना जल तो विकास आप देख चुके होंगे हमारे स्कूल ग्राम बहुआरा पंचायत सिंह हॉल के स्कूल के क्या स्थिति है। ऐसा ही स्कूल नहीं, बहुत सारा स्कूल है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते कि इस पर कार्रवाई किया जाए।